दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने तालाब के लास्ट वाले पोजीशन पे, और ये देखिए कुछ इस तरह से सीन है, आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए सुषमा भी जा रही है, वो भी रेडी हो चुकी है, जा रहे हैं, देखते हैं कुछ मार्केट कर लेंगे, और साथ ही आप लोगों को वहाँ का बाजार का सीन भी देखने को मिल जाएगा करेगी यहाँ से। चलिए देखते हैं अभी। अभी हम लोग इधर से जाएंगे डायरेक्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों सुबह का टाइम है, और सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और ये देखिए मैं यहाँ सोता हूँ, बिस्तर आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, कुछ इस तरह से हो चुका है अभी रात भर सोने के बाद। तो दोस्तों मेरा ये नया मेरा घर है, और मेरा सोने का रीज़न यही है, तो पुराने वाले जो घर है वहाँ मैं नहीं सोता हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी दे रही है, जिसकी वजह से वहाँ मैं नहीं सोता हूँ, यहाँ सोता हूँ। और मैं अभी कंपनी से आया हूँ एक दिन के लिए, अभी अब शाम को लौट जाऊँगा। तो जब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो मेरा भाई यहाँ पर सोता है, और जब मैं आ जाता हूँ तो फिर मैं यहाँ सोता हूँ, और मैं अभी चला जाऊँगा तो फिर वो वहाँ सोने लग जाएंगे। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम है, अभी 7 बज रहा है, और मुझे नहाना भी जाना है, तो बिस्तर पर कुछ ऐसा हाल कर लिया है, तो इसको जल्दी समेट दूँगा। सुषमा भी उस घर में है, नानी के साथ है, वो वहाँ पर नानी का हेल्प कर रही है, और मैं जो यहाँ हूँ इसको समेट के पूरा रूम को साफ करके फिर जाऊँगा नहाने। तो मैं आज कहाँ नहाता हूँ वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए पहले इसको ठीक कर देते हैं। तो दोस्तों फाइनली मेरा बेड हो गया रेडी, और ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सजा दिया हूँ। और चलिए अब चलता हूँ नहाने के लिए, तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कहाँ पर मैं नहाता हूँ। फाइनली दोस्तों अभी निकल चुका हूँ मैं नहाने की तरफ, और ये देखिए कुछ इस तरह से आप लोगों को नज़ारा है, मैं दिखा रहा हूँ पूरा, देखिए पूरा जंगल है, जंगल टाइप का है। अभी जंगल से निकलूँगा तो फिर ये देखिए इस टाइप से है मैं जहाँ नहाने जाता हूँ। तो पहले मैं रोज़ जाता था, लेकिन अभी मैं रोज़ नहीं जाता हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी घर में वॉशरूम बन चुका है, इसलिए मैं अभी मतलब बाहर नहीं जाता हूँ, घर में ही नहा लेता हूँ, और कभी कभी टाइम मिलता है तो जाता हूँ, नहीं तो मुझे कहीं निकलना रहता है तो मैं घर में ही जल्दी से नहा लेता हूँ। और ये देखिए अभी आपको दिख रहा है वो छोटा सा तालाब है, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा, तो वही तालाब है, वहाँ पर मैं जाऊँगा अभी नहाऊँगा। दोस्तों अभी उधर से पूरा घूम के हमको उतरना पड़ेगा, तो वहाँ मैं उतरूँगा। देखिए काफ़ी बड़ा तालाब है दोस्तों, और मैं बचपन से ही वहाँ नहाता था, लेकिन अभी जो है बड़ा हो चुका हूँ तो अभी घर में ही वॉशरूम बन गया है, तो ज़्यादातर घर में ही नहा लेता हूँ। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को वहाँ का क्या सीन है, लेकिन बने रहिए। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है, देखिए पूरा पेड़ मतलब हर तरफ आपको हरा भरा दिखेगा। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और ज़्यादा भीड़ नहीं है घर में, देख सकते हैं पूरा खाली, आप कितना लंबा तालाब है। मैं आप लोग कुछ दिखाता हूँ, लेकिन मछली दिखाता हूँ। देखिए छोटा छोटा मछली आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा। अभी मैं सामने ज्यादा जाऊंगा तो वो खा जाएंगे। तो दोस्तों यही वो तालाब है देखिए जहाँ पर मैं नहाता हूँ, और वहाँ आपको एक बड़ा स्विमिंग पूल दिख रहा होगा, देख रहे हैं ना, वो देखिए वहाँ पर ये जो पत्थर आपको दिख रहा होगा। तो बचपन में थे तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा हम लोग कूदे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं, और अभी तो थोड़ा मतलब अभी बड़े हो चुके हैं, तो अभी वो सब करना बहुत बचपन का दिन मतलब बहुत ही ज़्यादा याद आता है देखिए। और चलिए आगे उधर दिखाता हूँ मैं, अभी उधर नहाऊँगा, इधर का घाट थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, देख रहे हैं पूरा कूड़ा कचरा मतलब एकदम हो गया है।
दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने तालाब के लास्ट वाले पोजीशन पे, और ये देखिए कुछ इस तरह से सीन है, आप लोग देख सकते हैं। और पहले देखिए यहां भी बहुत अच्छा स्विमिंग पूल हुआ करता था, मतलब ये पूरा अभी पूरा टूट चुका है, ये पूरा आगे तक था, तो यहां भी हम लोग चढ़ के पूरा कूदते थे, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते थे। और ये देखिए यहाँ का थोड़ा मतलब जो घाट है थोड़ा साफ़ सुथरा है, तो यहीं पर अभी मैं नहाऊँगा। और ये देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा मतलब तालाब है, देख रहे हैं ना, एकदम वहाँ तक देखिए, पूरा उस पोजीशन तक देखिए, बहुत ही लंबा तालाब है। और इसका पानी भी आप देख सकते हैं पूरा साफ़ सुथरा है, मतलब यहाँ नहाने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए अभी मैं जल्दी से नहा लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं पूरा नहा के रेडी हो चुका हूँ, और अभी 8:30 बज रहे, मतलब मैं 7:30 में आया था, पूरा 1 घंटे हो चुके हैं, और झटापट नहा लिया, पानी भी थोड़ा ठंडा था। और ये देख सकते हैं अभी सूर्यदेव का थोड़ा प्रकोप भी कम है, मतलब उतना धूप भी नहीं दे रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है, धूप आज बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि कल थोड़ा बारिश भी हुआ था, तो इसलिए सूर्यदेव अभी थोड़ा मेहरबान है। चलिए नहा लिया हूँ, अब जा रहा हूँ अपने घर, और घर जाके ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर दिखाता हूँ नेक्स्ट क्या है। ब्रेकफास्ट मेरा पूरा रेडी हो चुका है, और अभी हम लोग खा रहे हैं आलू भुजिया और रोटी, और खाने के बाद जल्दी से खा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग गया है, बैठ गए हैं। और ये रोटी और आलू का भुजिया, तो जल्दी से खा लेता हूँ, और उसके बाद देखते हैं अभी कहाँ जाना है, शायद मार्केट जाना पड़ेगा क्योंकि घर में सब्जी ख़त्म है। और रोटी खाने के बाद ये देखिए अभी खा रहे हैं मूढ़ी, इसे तो हम लोग मूढ़ी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से खा लेते हैं, और खाने के बाद इसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। और अभी जा रहे हैं, ये देखिए बारिश भी खड़ा है, जा रहे हैं बाजार, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कमांडो बाजार का सीन। और ये देखिए सुषमा भी जा रही है, वो भी रेडी हो चुकी है, जा रहे हैं देखते हैं कुछ मार्केट कर लेंगे, और साथ ही आप लोगों को वहाँ का बाजार का सीन भी देखने को मिल जाएगा। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अब सुषमा ड्राइविंग करेगी, वो ड्राइविंग करेगी यहाँ से, चलिए देखते हैं अभी। और अभी जाते हैं कुमाडो भी, देखते हैं आज कितना भीड़ होगा, आज उतना ज़्यादा भीड़ होगा नहीं क्योंकि आज सोमवार का दिन है, और कल संडे था, कल पूरा ज़्यादा भीड़ था, आज उतना भीड़ नहीं है। फिलहाल अभी जाते हैं और देखते हैं, देखिए ड्राइविंग में हम लोग निकल गए हैं। देखते हैं बाइक कहाँ लगाएंगे, यहाँ तो बहुत जाम लगा हुआ है आगे, बाप रे बाप, चलिए देखते हैं। और ये लगा दिया मैंने गाड़ी, यहाँ सुबह का टाइम है और दुकान अभी खुला हुआ नहीं है, सब दुकानें बंद है, दुकान खुल जाएंगे कुछ देर लगेंगे, 11 बज जाता है 11 बजे खुलता है, अभी तो सिर्फ 9 ही बजे। देखिए अभी इधर से अभी हम लोग इधर से जाएंगे डायरेक्ट बाजार के। ये देखिए पूरा झोला भर के सब्जी ले लिए, तो अभी सब्जी का दाम बहुत ही कम था, ये देखिए हम लोग का स्कूटी लगा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा सब्जी ले चुके हैं अभी,
इतना कम है। और ये देखिए अभी हम लोग घर के और निकल रहे हैं क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सुबह उतना धूप नहीं था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा धूप बढ़ गया है, तो चलिए घर जाते हैं जल्दी से। और मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, तो देखते हैं अभी। एक साथ दो दो चाबी कर लो। बाजार के शॉपिंग करने के बाद आ चुका हूँ घर, और ये रूम आ गया हूँ। सुषमा उस घर में है, अभी सारा सामान जो है रख रही है, और पूरा काफ़ी ज़्यादा मैं थक गया हूँ तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मोटी मेरे लिए क्या ले गया, ये अंगूर खुद मोटी हो गई है, अंगूर खिला खिला के मेरे लिए मोटी कर दी। तो आज हम आप लोगों को एक नया मेहमान से मिलाने वाले हैं, दोस्तों टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। और अभी शाम का 5 बज रहा है और आधे घंटे बाद ही मेरा ट्रेन है, तो मुझे जाना पड़ेगा फिर से अपने काम में। और ये देखिए अभी सुषमा रेडी हो रही है, तो वो जल्दी से रेडी हो जाएगी, वही मुझे ड्रॉप करने जा रही है। क्या रखना अपना टाटा। तो दोस्तों फाइनली इसको छोड़ के जा रहे हैं, और इसका मूड बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको, इनका शकल नहीं देखना पड़ेगा, अच्छा है। तो दोस्तों देखिए मैं रेडी हो चुका हूँ, तो फाइनली दोस्तों ये टिकट ले लिए हैं आसनसोल का, और ये देखिए स्टेशन में। ट्रेन का हम लोग वेट कर लेते हैं, और मालगाड़ी जा रही है, कुछ देर बाद ही अभी आएगी ट्रेन। टिकट ले चुका हूँ दोस्तों, इन लेकिन नहीं चढ़ूँगा ट्रेन से।